दिस इज़ APR और आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और जैसे कि टाइम होने वाला है 5 बजने वाले हैं और शायद मेरा अलार्म भी बजने वाला है, लेकिन पहले हम वार्तालाप कर लेंगे। हो सकता है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए 5 बजे से पहले। तो जो मैंने बुलडॉग का कार्बन वाला फ्लेवर जो टेस्ट किया था, उसका टेस्ट बड़ा ही मुझे अजीब लगा। तो फिर मेरे को ऐसा सदमा सा लग गया कि भाई अब की बार मैं कोई भी कोरियन नूडल ट्राई नहीं करूँगी। बट उससे पहले मैंने जो किए हैं वो तो टेस्टी थी, बट ये वाला जो फ्लेवर था बहुत ही मतलब मेरे को पसंद नहीं आया। इवन तो इसकी जो पैकिंग थी और जो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो ये जो मसाला है वो क्रीम कार्बोनारा का भी था, बट ये क्यों अजीब लग रही है, वो उसका सीन मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसी है या उसमें कुछ डिफरेंट तो हो गई, तभी ऐसी लग रही होगी ना। तो जो भी है, उसके बाद फिर उसके जो पैकेट होता है ना, जो भी नॉर्मल मेरे पास मैंने ख़रीदी हैं मतलब कहीं और से, जैसे शॉप से ख़रीदी और मॉल वगैरह से और जैसे कि ऑनलाइन मंगाई, तो उनके पीछे ना इंग्लिश और रशियन में लिखा होता है, बट उस पैकेट पे लिखा था इंग्लिश एंड उर्दू में। सो वैसे तो वो अपना प्रोडक्ट अलग अलग बनाएंगे नहीं आई गेस, और उसमें वो 3 जगह जाती है, पाकिस्तान, मालदीव्स एंड इंडिया। तो आई डोंट नो बट उसका कोई सीन हो या ना, बट जो भी है मेरे को पसंद नहीं आया। एंड देन फिर मेरे पास एक पड़ी थी पाल्दो की, जिसका नाम था बीबेमेन, और उसके ऊपर जो था ना वार्निंग लिखी थी कि कैंसर एंड रिप्रोडक्टिव हार्म। तो आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि ये भाई मुझे खानी भी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो मैंने सर्च करा उसके बारे में, उसके पीछे कोई साइट दे रखी थी, तो बहुत सारे कमेंट्स रिव्यूज़ उसके वो थे कि ये कैलिफोर्निया में बिकती है, दैट्स वाई ये वहाँ पे मतलब तब लगता है अगर आप अपने प्रोडक्ट की जांच वगैरह ना कराओ, समथिंग ऐसा कुछ यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो और वो नूडल्स मेरे पास ना 1 साल पूरा पड़ी रही, जितनी भी उसकी मैन्युफैक्चर से लेके एक्सपायरी डेट थी तब तक, मतलब मैंने उसे रखे रखा, मैंने सोचा शायद मैं इसे खा लूँ या ना खाऊँ। फिर वो सी फूड था तो फिर उसमें तो मैं नॉर्मली इतना जो भी उसमें पता नहीं क्या था, कुछ था उसमें जो कि मैंने कभी खाया नहीं, तो मैंने कहा चलो छोड़ो फिर, जाने दो क्या ही जा रहा है। और फिर मैंने अब खाई थी सिंगापुर चिंग्स की सिंगापुर करी, जो कि अच्छी थी, मतलब टेस्ट वाइज अच्छी थी, बट थोड़ा नमक ज़्यादा था और कड़ी पत्ते डले हुए थे, तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कुछ सांभर। तो चलो बाय बाय।